दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है कि सर मेरा यूआरएल ऐसा हो जाता है जैसे कि यहाँ पर ये यूआरएल दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे कोई सॉल्यूशन दें। वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग में मैं जब ये यूआरएल देखता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इन यूज़र का ही नहीं, बहुत से ऐसे यूज़र हैं इनको ये प्रॉब्लम होती है, और एक नए वर्डप्रेस यूजर कह सकते हैं नए ब्लॉगर के मन में इस यूआरएल से रिलेटेड काफ़ी सवाल चलते रहते हैं। तो आखिर ये यूआरएल क्यों बन जाता है साइट के अंदर और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, हम किस प्रकार के यूआरएल डालें जो इस तरह का यूआरएल नहीं बने, तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस यूआरएल की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश के अलावा जो आप लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जैसे कि आप हिंदी में काम करेंगे, बंगाली में करेंगे, मराठी में करेंगे, तमिल में करेंगे, तब आपको इस तरह की यूआरएल देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर एक खोल लेता हूँ कोई अपनी पोस्ट, ऑल पोस्ट में जाते हैं, यहाँ पर कोई पोस्ट खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर हम इस पोस्ट को खोल लेते हैं। तो हमने इस पोस्ट में लिखा है एक्सेल में कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है ना, ये आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए इस यूआरएल को लेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी जो यहाँ पर ये बता रहे हैं, इनके ब्लॉग या वेबसाइट या किसी पोस्ट में आ रही है, ओके। तो हम इसको कॉपी करेंगे तो इसमें भी इशू देखने को मिलेगा। तो मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर ये कर दिए पेस्ट। देखिए यहाँ पर यूआरएल का परसेंट 05 है ना, ये प्रॉब्लम आ गई। अब मैं यहाँ पर एक और पोस्ट ले लेता हूँ, उसको भी खोल कर दिखा देता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड व्यू पर जाते हैं, तो देखिए एक ये पोस्ट है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें देखिए नंबर टू वर्ड कन्वर्ट एक्सेल में कैसे करें, ठीक है, अब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे इसे पेस्ट कर देते, इसमें नहीं आएगी, है ना। अब मैं यहाँ पर प्रॉब्लम बताऊँ दोस्तों, आप गलती कहाँ करते हैं, आपका जो यूआरएल है पोस्ट का उसमें आप हिंदी के कोई वर्ड डालते हैं या तमिल के डालते हैं, आप यही डाल देंगे या आप हिंदी का कोई भी शब्द लिख देंगे, क्या डाल देंगे या डाल देंगे, कोई भी एक वर्ड या शब्द लिख देंगे, उसकी वजह से आपका यूआरएल ऐसा आएगा, ठीक है। अगर आप तमिल में कर रहे हो, बंगाली में कर रहे हो, तो सभी में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो SEO के और जो वर्डप्रेस का जो प्रोग्राम होते हैं एंड प्लेटफॉर्म होते हैं वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तो इंग्लिश के हिसाब से डेवलप होते हैं ना, हिंदी को वो ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए इस तरह की एरर और प्रॉब्लम आती है यूआरएल में, है ना। तो बहुत से यूजर के ये प्रश्न चलते रहते हैं इसके, है ना। अब दोस्तों आपको इसको सॉर्ट आउट कैसे करना होगा, है ना। तो आपको करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक भी शब्द को हिंदी में नहीं लेना है, है ना। वो कैसे, तो मैं प्रैक्टिस के तौर पर एक यहाँ पर पोस्ट लिखता हूँ, एड न्यू पर क्लिक करता हूँ, मेरी पोस्ट एंड यहाँ पर देखिए ये मैंने डाला, ठीक है। एंड यहाँ पर हम जाएंगे एडिशन पर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये परसेंट बन चुका क्योंकि हमने इंग्लिश में डाला है ना। एंड यहाँ पब्लिश कर देते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, ये लो मैंने पब्लिश कर दिया इसको, ये देखिए। पब्लिश करने के बाद हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सॉरी पब्लिश में जाते हैं, ऑल कैटेगरी एंड फिल्टर, एंड यहाँ पर मेरी पोस्ट है, इसको हम देखते हैं, यहाँ पर व्यू पे जाते हैं और देखिए यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरी पोस्ट में हिंदी हमने यूज किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, नीचे कर देते हैं इसके, तो देखिए ये एरर आएगी, देखिए परसेंटेज आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप एक भी शब्द यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब इसको सही कैसे करेंगे, सही के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो URL है उसे आप इंग्लिश वर्ड में डालना होगा, ठीक है। कोई भी आप डाल सकते हैं इंग्लिश वर्ड में, आप मेरी पोस्ट को माई पोस्ट कर सकते हैं या मेरी पोस्ट ही लिख सकते हैं, वो भी यहाँ पर अल्फाबेट में, है ना, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उसमें, है ना। एंड यहाँ पर आप एडिट पर जाएंगे, या सॉरी एडिट स्निप्ट, अगर आप रैंक पेंट यूज करें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यूस्ट में नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो परमा लिंक है इसको आप यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम परमा लिंक कर देते सही मेरी पोस्ट, ओके। एंड यहाँ पर इसको हटा देंगे, अब यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप इस URL को रिफ्रेश करेंगे तो 404 एरर आएगा, ठीक है, विशेष आप ध्यान रखना।
तो देखिए यहाँ पर 404 एरर आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉरी एंड यहाँ पर दोबारा करते हैं, देखिए यहाँ पर 404 एरर आ गया, रिडायरेक्शन दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर URL रिमूव कर दिया था इसका, कौन सा इसका ये है ना, इसका URL हमने चेंज कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको हम रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर हम अब जाते हैं व्यू के अंदर। अब मेरी पोस्ट में ये आ गया इंग्लिश का वर्ड्स ना जो है, इसको कॉपी करते हैं। अब इस तरह के जो परसेंट आ रहे हैं वो नहीं आएंगे ना, ये देखिए अब नहीं आ रहे है ना, क्योंकि दोस्तों हमने URL में इंग्लिश के अलावा बंगाली हिंदी या मराठी वर्ड यूज किए, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर आप इंग्लिश वर्ड अल्फाबेट या शब्द यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरी की जब माफी हो गई तो दोस्तों जी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ध्यान रखना कि आगे से आपके पोस्ट या कह सकते कोई भी URL में हिंदी शब्द या बंगाली मराठी तमिल इस तरह की उपयोग नहीं करना, इस तरह की लैंग्वेज के शब्द उपयोग नहीं करना, आपको इंग्लिश में लेना है, ठीक है, और आपका URL में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अगर दोस्तों आपकी कोई अच्छी पोस्ट है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हमारी एक पोस्ट है जिसमें हिंदी के वर्ड यूज हुए हैं, तो वो पोस्ट है कॉन्सेप्ट फंक्शन से रिलेटेड। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जो इस तरह का URL आ रहा है, जैसे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको सही करना है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आप इसके एडिट पर जाएंगे एंड आप जो भी प्लगइन यूज कर रहे हैं आपको परमालिंक देखना है या URL एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं जैसे कि रैंक बैंड में यूज कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, एडिट स्टेप पर जाएंगे और यहाँ पर कॉन्सेप्ट फंक्शन क्या है इसको आप उठाकर आप इंग्लिश में डाल देंगे क्या है, ठीक है, ये डाल देंगे और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों आप अपडेट करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो आपको किसी पोस्ट में करनी है। लेकिन ध्यान रखना आपको रिडायरेक्शन देना होगा, जैसे कि दोस्तों इस URL पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक, यहाँ पर गूगल में ये रैंक कर रहा है, तो आपको 301 का रिडायरेक्ट देना होगा इस वाले URL पर, देखिए ये है ना इस वाले URL पर, क्योंकि ये इस पोस्ट का नया URL बन गया है ना। तो आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं, कौन सा प्लगइन, यहाँ पर है 301 का, जैसे कि आप जाएंगे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है 301 का। यहाँ पर हम जाएंगे प्लगइन एंड ऐड न्यू प्लगइन एंड यहाँ पर 301 रिडायरेक्ट, चलो ये इसी से आ जाएगा। आप यहाँ पर इस प्लगइन का यूज करेंगे, पुराना वाला URL इसमें डालेंगे और रिडायरेक्ट कर देंगे न्यू URL में। कौन सा पुराना वाला रहेगा आपका, ये रहेगा, कौन सा इसमें पुराने वाला URL ये रहेगा, ये डालेंगे क्योंकि इस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो जब भी इस URL पर क्लिक करेगा तो आपके न्यू URL पर पहुंच जाए जो हमने ये बनाया है, ठीक है। एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी है ना, क्योंकि दोस्तों अगर रिडायरेक्शन नहीं देंगे तो आपकी ट्रैफिक का लॉस होगा, अर्निंग भी कम होगी, ट्रैफिक भी कम होगा है ना। तो आप इस प्लगइन की हेल्प लीजिए और फ्री में आप रिडायरेक्ट लीजिए 301 का, ठीक है। तो जितनी आपकी पोस्ट हैं उनका आप रिडायरेक्ट दे दीजिए 301 में, उनकी URL चेंज कर लीजिए और आपकी URL अब ऐसे आएंगे जैसे कि आप चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये देखिए है ना। तो आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और इस तरह का जो URL आ रहा है ये हिंदी वर्ड या तमिल अमिल का वर्ड से होता है, या बंगाली में आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या मराठी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनके एक भी शब्द आप करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप पोस्ट भले ही हिंदी या इंग्लिश या कह सकते हैं हिंदी में लेके ब्लॉगिंग में या तमिल में लेके, लेकिन उसका जो URL हमेशा आपको इंग्लिश में ही डालना है, या परमालिंक बोल सकते हैं या स्लग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ही डालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऐसा कर सकते हैं, आपका पूरा कंटेंट हिंदी में हो या बंगाली तमिल या अदर लैंग्वेज में, उसका परमालिंक आप इंग्लिश में बनाएं, क्योंकि वर्डप्रेस प्लगइन जो डेवलप हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे हुए हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज आपको पता है ना, तो उसको सही समझते हैं, इसलिए जो प्रोग्राम होते हैं इन चीज़ों के वो हिंदी को ठीक से समझ नहीं पाते, हिंदी पे कोई कोडिंग नहीं होती है ना, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।